ये मौका दूं कि कुछ सवाल जवाब कर सकें. मेरे अंदर भी इतने सारे सवाल हैं जो कि यहाँ पर उठ रहे हैं. एंड बेसिकली यू नो आई एम अ लवर ऑफ मूवीज जहाँ पर एक वुमन की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो दिखाई जाती है. सो आई थिंक ये आप लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है कि ये मूवी बनाई है. अगर मैं अकेले बैठ करके देखती तो शायद रो देती, इसलिए आपने स्टेज पे शायद मुझे खड़ा किया है कि नहीं रोना मत. मधुर जी आपसे पूछना चाहूँगी, हर मूवी के साथ में आपने एक अलग टाइप के, जैसा मैं कह रही थी, पावर को अनरावल करने की कोशिश की है, बट देन व्हाई इंदु सरकार, एक पीरियड फिल्म क्यों की आपने, ऐसा ड्रामा क्यों चुना आपने, व्हाई दिस? मुझे ऐसा लगा कि हमेशा एक होता है कि मैंने जितनी फिल्म बनाई बॉम्बे सेंट्रिक रही है और हमेशा ग्लैमर वर्ल्ड या ट्रैफिक सिग्नल या कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दर्शाया है, या बॉलीवुड की हम बात करें, तो मुझे लगा कि हमेशा एक पीरियड फिल्म का एक कॉन्सेप्ट था कि बनाना चाहिए. और 70s का मैं बड़ा फ़ैन हूँ. एक आर डी बर्मन हुए, किशोर दा हुए, लता दीदी हुए, उनके गाने हमेशा, वी ग्रोन अप ऑन 70s थिंग. एंड मी एंड माय राइटर अनिल, वी वर सिटिंग एंड वी वर डिस्कसिंग क्या करना चाहिए क्या, एंड सडनली द आइडिया पॉप्ड आउट के इमरजेंसी बैकड्रॉप एक फिल्म बनाते, अभी तक किसी ने बनाई नहीं, और ह्यूमन ड्रामा उसको देते हैं, और इवेंट्स जो है वो थ्रू इवेंट्स पे बेसिकली इंस्पायर्ड है वो. और मुझे लगा कि 70s है, अच्छा रहेगा वो उस एरा को पकड़ना, दिल्ली खास करके, वो दिल्ली का पूरा बेस है पिक्चर का. तो और मुझे लगा ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है बताना आज की तारीख की, आज के जनरेशन को, खास करके जो इमरजेंसी 1975 से लेकर 77 के दौरान 21 मंथ की जो इमरजेंसी थी, वो आज की जनरेशन इतनी अवेयर नहीं है. हालांकि पॉलिटिकली काफ़ी पिछले 5-6 साल से, जब से सोशल मीडिया आया है, तो हमने देखा कि पॉलिटिकली थोड़े से अवेयरनेस आ गई है. तो ये सही टाइम है पिक्चर बनाने का इमरजेंसी पे, और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वर्कआउट किया इस पे, और संजय छेल साहब ने इतने अच्छे अच्छे डायलॉग लिखे, और दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड एंड पिक्चर बनाई. क्या बात है, वी आर अवेटिंग द रिलीज, 28th of July को है. थैंक यू सो मच. कीर्ति आपसे जानना चाहेंगे कि आपका फर्स्ट फुल फ्लेज्ड ये जो प्रोटैगनिस्ट का रोल है, और जैसा हम बात कर रहे थे इस फिल्म की जब हम थोड़ी तैयारी कर रहे थे, कि इट्स एन ऑथर बैक्ड, एकदम ऐसा जो आपको एक रोल दिया गया है, सब कुछ इसमें आपने एक्सपीरियंस किया है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कॉन्फिडेंस के साथ में भरा हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इसमें स्टैमर करते हुए, हकलाते हुए दिखाया गया है. इट्स अ पैराडॉक्स, यू नो, मेरे हिसाब से कॉन्ट्रास्टिंग है. हाउ डिड यू मैनेज दिस, दोनों चीज़ें एक साथ एक कैरेक्टर में? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस. जहाँ तक आप पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं मेरे कैरेक्टर को लेकर फिल्म में, इट इज़ समथिंग दैट is not a part of her from the beginning. I mean, trailer hai, so you only see glimpses of the whole character's journey in this. Lekin jab aap film dekhenge, to aapko exactly samajh mein aayega ki paradox nahi hai. Ek full journey hai Indu Sarkar ki, from the time that she wasn't a very, very confident or powerful or strong woman. She always was probably, but she didn't know she was. So, stammering ke jahan tak baat hai, of course, it's a very, very important characteristic of Indu Sarkar in the film. And mere khayal se wo sabse, mere liye sabse important characteristic bhi tha, kyunki meri sabse zyada mehnat stammer ko, you know, main usko achhe se present kar paun, usme gayi hai. So yes, I think when you see the film, it'll take you through the journey of Indu Sarkar, and you will very, very easily believe the growth that this character has in the film through what you see in the film. क्या बात है, वी आर अवेटिंग. थैंक यू सो मच. टोटा जी भी हमारे साथ में आज यहाँ पर हैं ऑन स्टेज. पहली बार आप वहाँ से, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से निकल करके यहाँ पर एक फुल फ्लेज्ड रोल कर रहे हैं, जो कैसा लगा आपको? हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद मधुर जी एंड द होल टीम? इन शॉर्ट आई कैन से दैट आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स, बट दीज 22-24 डेज दैट आई हैव स्पेंट विद मधुर जी वाज द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ. वाओ, इन टर्म्स ऑफ माय एंड एन आर्टिस्ट. क्या बात है मधुर जी. एंड व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर? All I can say that Madhurji gave me a very specific brief as to what Naveen Sarkar is supposed to be like. And I just stuck to my brief. I am in the habit of listening to my director only, and only to the director. And of course, there were Sanjay ji and Anil ji, script writers. And they also tutored me in the how the character would be like. So I kept that in mind and listened to what Madhurji had to say.
Wonderful. Thank you so much for that. Anupam ji, ek alag type ka sawal aapse puchna chahungi. Is samay mein, saal 2017 mein, jab aapne movie ki shooting ki hogi, us samay 1970s ke zamane ko aap logon ne recreate kiya hoga. How was it reliving that time ki wahi cheezein aap phir se dikha rahe hain? Kya mahol bhi aap logon ka, kya zindagi aapki aisi ho gayi thi ki aap 70 ke dashak mein pahunch gaye hain? First of all, congratulations. It's a mind-blowing trailer. It's very powerful. Very, jise kehte hain, rongte khade karne wala. And as a cinema goer, I think it's going to do brilliantly well based on the film. And everybody's done amazing work. 12 films bana chuke hain Madhur Bhandarkar sahab. Ji. Aur har film ke banane se pehle main inko bolta tha phone karke khud ke samne se ki Madhur ji film mein le rahe ho ki nahi le rahe. You can ask him. Yeah. He is witness to this. Every film, whether I had done 400 films, 380 films, 500 films, I used to pick up the phone the moment, and usually it was Ashok ji who used to say ki shuru kar raha hai film. To wo mere gupchar vibhag ke hain, wo har jagah ki khabar mere ko dete rehte hain. To har film ke shuruaat hone se pehle inko ye writer ko bulate honge aur maine har film se pehle inke sath struggle kiya hai. So, and I'm saying it proudly, I think that's why I can do so much work, because the directors that I want to work with, there is no smallness about going and asking for work. I think the whole homework was done by Madhur and his brilliant writers. We didn't have to do anything. We just needed to believe that what he has believed in, that we have to perform. So to say ki humne kuch zyada kiya, and luckily for me, it was more exciting because I have 3-4 different get-ups in the film because of the story. Jahan tak 70 ki baat hai, nobody lives any era or any years thinking ki aaj se 40 saal baad main is era ko dobara dekhne wala. Ji, bilkul. We have lived those eras. We have lived those years. Aaj se 20 saal baad agar 2017 pe koi film banegi, to I will not say, aray, I lived those 17 years. But it's very, very gratifying to be part of good cinema. And as you very correctly said in your introduction, ki it's the power of a woman that is reflected so brilliantly. So, and the background is emergency. Luckily, aajkal kya hai ki Indian cinema has reached a stage where audiences do understand cinema. You just have to make them believable. So congratulations. Well done. मेरे दोस्त 12वीं फिल्म में आपने मुझे ले लिया मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दोस्त एंड आई एम लाइक ए बैड हैबिट नाउ ही इज नॉट गोइंग टू मेक ए फिल्म विदाउट मी कमिटमेंट ले लिया है सर मधुर जी लेकिन बहुत सारे लोग अब आपको फोन आने वाले हैं हर मूवी के पहले ले रहे हैं कि नहीं ले रहे अब ये डर के मतलब कहां जाएगा और अशोक पंडित को अपनी मीटिंग से दूर रखेगा Wow, lovely. Neil, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी. What a transformation in the film. इसके पोस्टर जब आए थे, जब आपका वाला पोस्टर आया था, we had to really like zoom in and see. Oh my God, ये आप ही हैं. So क्या लगता था आपको? किस तरह की preparation होती थी to get into this look? Very good evening, very afternoon to everybody. Hi. Sorry, I'm going to leave this here. Okay, thanks. Well, 1975. I wasn't born in 1975. I was born in 1982. So the first time sir called me to the office and narrated me a synopsis, I said definitely, because I was very, very bad in history as a student. So this was my my chance to go back in time and probably study something that I wasn't aware of as much and I didn't know a lot of. So During the 115-day session that we had with him every day for about an hour, 2 hours, he would, you know, kind of tutor me through the entire series of events that happened in 1975, and that really attracted me towards the film as well. As far as the look is concerned, I was extremely skeptical to begin with. We first initially thought that we'll probably shave off the head and try and see if we can... you know, just to recreate the look by actually going bald. And I was ready to do that, but unfortunately I had commitments of two other films
at the same time. और आप शादी भी करने वाले थे? और जी हाँ, और मेरी शादी होने वाली थी. ये सच है. तो उस समय I just requested him if he could do something else. So we tried prosthetics. So the entire makeup team, Vikram sir, my entire team, Vaseem bhai, Vicky, all of us, we all sat down and we sat in the office for about 6-7 hours and slowly went into stages and created the look. And once that was done, I got a little confidence. And then, of course, the script came. Sanjay ji's lovely dialogues were there. And then I think he gave me a free hand and said, okay, just recreate the character. And thank you, sir. Thank you so much. It's my second film with him. Yeah. And I'm extremely proud that, you know, I feel very thankful to you and grateful that you, you know, consider me to be a part of this film. Thank you. मधुर जी, शादी के बाद शूट करना चाहिए था. शादी के बाद वैसे भी बाल उड़ जाते हैं तो आधे गायब हो जाते हैं. नहीं, अभी तक हैं वैसे. All right, with this. ऐसा नहीं है कि जिनके बाल नहीं होते उनकी शादी. I was waiting for that. With this, अब मैं चुप रहूंगी. I would open the forum to media question and answers. So can we please roll a mic and किसी के भी पास सवाल हो तो माइक यहाँ पर. Who has the first question? यहाँ है. माइक भिजवाएंगे आप प्लीज. क्या? हाँ, काफी बुक्स पढ़े, जैसे कि कुलदीप नायर साहब की अनटोल्ड इमरजेंसी एक बुक है, कोमी कपूर जी की बुक है द इमरजेंसी, और शाह कमीशन पढ़ा, और काफी स्मगलर्स ऑफ एक इमरजेंसी पे बुक है, काफी चीज है. तो ऐसे रिसर्च किए. फिर नेहरू सेंटर में मुझे बहुत हेल्प मिला. नेहरू सेंटर और आर्काइव है दिल्ली में, वहाँ पे मैं और अनिल पांडे जी हम वहाँ पे गए, बैठे कम से कम 2-3 महीना वहाँ पे, हमको काफ़ी मटेरियल मिला. और इसको थ्रू इवेंट्स पे रख के हमने इसको फिक्शन कैरेक्टर ऐड किया है. कीर्ति का जो कैरेक्टर है, टोटा जी का कैरेक्टर है, बाकी कहीं कैरेक्टर्स है पिक्चर में, कहीं से इंस्पिरेशन काफ़ी मिला उससे. सो फार तो आई डोंट नो, आई होप सेंसर विल बी वेरी लीनियंट टू दिस फिल्म and pass this film because I do apprehensive hota kabhi kabhi because censor had problem pehle bhi hota hai and khas kar political film hoti hai to so far to trailer to pass ho gaya to I hope ke picture bhi isko pass ho jaye bilkul ki kya thala aata parant asa kay thala nahi ani tumhi aata trailer nantar bagaycha tumhala ka vatta mat hoi sakta na baguya. अच्छा मधुर जी, आपने कहा ये रियल इधर है आप इधर 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 जलवा जलवा अच्छा था. आपने कहा कि ये रियल इंसिडेंट पे बेस है. इंस्पायर्ड है मैंने. इंस्पायर्ड है. हाँ, करेक्ट. तो वो जो लास्ट का डायलॉग था कि आप माँ बेटे के गुलाम हैं, हाँ, कि वो रेफरेंस किसका था? सब वो रेफरेंस कैरेक्टर्स का था जो हमारी फिल्म में. मेरे ख्याल से उसको टोटलिटी में जो आप सोच रही हैं वही था. वो सब लोग बैठे सोच रहे हैं. कुछ बातों के बारे में बोलना जरूरी नहीं है. आपका सवाल में अपने आप ही जवाब है. अच्छा. एंड नील, सिंस नाउ यू आर मैरिड एंड दिस इज योर फर्स्ट फिल्म आफ्टर मैरिज, जी, सो दिस फिल्म इज गोइंग टू ब्रिंग लोड्स ऑफ हैप्पीनेस टू यू, व्हाट डू यू हैव टू से? Well, the day I started my career as a child star, actually, I started my career with Anupam uncle. So ever since then, I've been very happy. I'm extremely happy being. देखो, child star में कोई uncle बुलाते थे, ठीक है. अब शादीशुदा हो, थोड़े दिन में बच्चे हो जाएंगे. अब मुझे uncle से refer नहीं करो तो अच्छा. मेरे senior हो मधुर भंडारकर की फिल्म में. एक फिल्म ज़्यादा कर चुके हो. Well, I'm just very proud being a part of this industry. I'm born in this beautiful family of creators and makers. Well, after marriage, I'm just hoping that Rukmini is even more proud. And this definitely is a very challenging subject for me also. So I'm hoping that the audience appreciates it and appreciates our hard work. Thank you. Well, 70-30 पकड़ लो. 70% इज फिक्शन एंड 30
40% would say real, जो inspired है, जो जिसके बारे में documentation है या उसके बारे में बोला गया है, किताबों में लिखा गया है. Definitely emergency का backdrop अगर film बनाओगे तो कहीं ना कहीं जाके इसको एक inspiration तो मिलता ही है. तो काफी चीजें से आप correlate करोगे जब आप totality में इसको picture को देखोगे. तो अजीज नादा का गाना इसे चुना क्योंकि मेरे ख्याल से 70s में ढलता सूरज धीरे धीरे जितना पॉपुलर गाना था वो मुझे रिक्रिएट करना था, और हमारी जो म्यूजिक कंपनी सारे गामा से हमारा टाइप हुआ है तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा गाना जो रेट्रो हो, जो पॉपुलर हो. मेरे ख्याल से अजीज नादा साहब की जो कवाली है वो एक बड़ी फिलोसॉफी को लाता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो. मेरे ख्याल से वो जो फिलोसॉफी सबके लिए वो लागू होती है, इसलिए वो पॉपुलर कवाली मैंने चुनी क्योंकि एवरीबडी रिलेट्स टू इट चाहे इन विच एवर फील्ड ही इज. सो आई थिंक दैट कवाली इज वेरी मच रेलिवेंट इन द फिल्म ऑल्सो. मधु सर, जस्टिन हियर, राइट नाउ सर, जस्टिन फ्रॉम पीटीआई. या मधु सर, या मधु सर, द फिल्म ऑफ कोर्स हैज द बैकड्रॉप ऑफ इमरजेंसी एंड देयर इज एन ऑफ कोर्स रेफरेंस टू इंदिरा एंड संजय गांधी एज वेल. डू यू थिंक अ फिल्म लाइक दिस वुड हैव बीन पॉसिबल से 5 years अगो व्हेन द यूपीए वाज इन पावर? Well, I don't know, but you know, I think, like I said, it's not nothing like that planned or something. कि अगर UPA government है तो हमने बनाया, NDA की government है हमने बनाया. It's nothing like that. You just feel के like that कि any film, for me, banning any film or book or anything, it should not be done. Anything. I think freedom of expression की हम बात करते हैं तो that has to be in Hollywood. We see so many films being like made I over there. Right. Actually, I was about to say a reference like Titanic, for example. You know. He so recreated the film Titanic with a very nice JFK. Yeah, with so a nice you know. So backdrop. I think मुझे ऐसा लगता है किसी चीज पे पाबंदी ऐसी होनी नहीं चाहिए, and everybody has this right to you know, I mean interpretation होना चाहिए उस फिल्म का. जैसा मैंने पहले कहा था कि इस फिल्म का जो सबसे, इस कैरेक्टर का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट मुझे पर्सनली लगा वाज टू गेट द स्टैमरिंग राइट. तो मेरी शुरुआत क्योंकि मैं उसी को लेके सबसे ज़्यादा नर्वस थी, यू नो, परेशान थी. आई स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज, स्टैमरिंग वीडियोज टू बिगिन विथ. जब मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आने लगा देन आई मेट अप विद अ साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर एक बच्चा है इन द फिल्म माई कैरेक्टर इंदू लूजेज हर पेरेंट्स एट अ वेरी अर्ली एज. तो मुझे समझना था साइकोलॉजिस्ट से कि अगर एक बच्चा अपने माँ बाप खो देता है एंड स्पेशली इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ स्पीच इम्पेडिमेंट यू नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हाउ डज इट अफेक्ट द चाइल्ड साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली थ्रू द ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड एंड ऑफ कोर्स हाउ ही और शी शेप्स अप एज एन अडल्ट. So that's something that I understood from a psychologist. Uske baad my most important and final step was to meet a speech therapist, and I met her. I sat through the whole film. We decided. Now stammering in itself is such a vast subject. Like there are so many different kinds of stammering. Ki hame freeze karna tha, hame zero upon karna tha ki aisa kya hai jo main cinematically कैरी कर सकती हूँ थ्रू द फिल्म, समथिंग दैट लुक्स कंसिस्टेंट, समथिंग दैट डजंट लुक फेक, समथिंग दैट पीपल डोंट लाफ एट. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक मधुर इन इज जो हमें ब्रीफ मिला था, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि स्टैमरिंग ऐसी ना हो कि इस तरह से ना हो कि लोग हंसें उस पर, बिकॉज इट जस्ट टेक्स यू अवे फ्रॉम द होल पर्पस ऑफ द कैरेक्टर एंड द होल फिल्म. सो ये सब चीज़ें फिगर आउट करने के लिए आई मेट विद द थेरेपिस्ट एंड आई हैड अ कपल ऑफ सेशंस विद हर, एंड कर करा के ऑफकोर्स आई वॉज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग ऑन माई यू नो बाई माई सेल्फ. तो आई थिंक दैट समथिंग दैट वेंट इन टू द स्टैमरिंग बिट ऑफ इट. उसके अलावा ऑफकोर्स द रिसर्च इन टर्म्स ऑफ माई कैरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ माई लुक, इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स, मेकअप वॉज सो स्ट्रॉन्ग फ्रॉम मधुर एंड हिज होल टीम की उसमें मुझे ज़्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ा या नहीं ऐड करना पड़ा. एंड आई थिंक अप्रोच अगर मैं बताऊँ कि मैंने कैसे किया इस कैरेक्टर को, तो आई थिंक द प्रोसेस इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू हाउ आई वुड प्रॉबेबली हाउ आई वेंट अबाउट इट इन पिंक और एनी अदर फिल्म ऑफ माइन. सो द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर, अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस, द ग्राफ वॉज like I would have prepared for any character in today's times. So yeah, all of these things put together, I think
I think it's turned out well. Hello, Anupam sir. Yeah. Yeah, yeah, sir. This is Ravi. हीरोइन को हीरोइन घायल होने के बाद हाँ नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसे बिल्कुल नहीं है डिपेंड करता है स्क्रिप्ट क्या है वो किस तरह से उसका सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता ना अनुपम सर रवि सर जानना चाहूंगा जैसे मधु जी ने बताया कि बहुत सारा पार्ट जो है फिल्म का एक सब्सटैंशियल पार्ट जो है फिक्शनल है तो जानना चाहूंगा अनुपम सर यह कि आपका कैरेक्टर जो है वो रियल है या फिक्शनल है किस तरह का है वो मैंने इतनी फिल्में की हैं कि अब मेरे को उस तरह के रिसर्च की जरूरत नहीं होती है इन्होंने लाइनें दी मुझे थोड़ी समझ में आई बाकी इनका काम था उससे मेरी एक्टिंग कुछ अलग नहीं हो जाने वाली थी कि पहले मुझे बताओ कि इसकी उम्र क्या है और इसके अंदर क्या जज्बात चल रहे हैं Yes, that's what I said. The script was so complete and the characterization was real. And Madhur ki filmon ki khasiyat ye hai ki realistic performances ke saath saath it looks larger than life the way he conceives the scenes. So I'm sure Nana ji's character is based loosely or inspired loosely on certain people at that time in 70s. Anupam sir, aapki ek aur film aa rahi hai, The Accidental Prime Minister. I'm under contract not to talk about that. अच्छा आयरोनिकली नॉट टू टॉक अबाउट बोलिए आयरोनिक हाँ बोलिए मधुर जी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एक सेकंड मधुर बट इट्स नॉट ए साइलेंट फिल्म अच्छा मधुर ये जानना चाहूंगा आपने जैसे पता कि 70% फिक्शन है तो एक जब सच्ची घटना पर आप फिल्म बनाते हैं और उसमें अगर बहुत सारी फिक्शनल चीजें आप ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ सकता है कि यार ऐसा नहीं हुआ था या वैसा नहीं हुआ तो इस तरह की कोई अप्रिहेंशन है कि लोग बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं कि उस इरा में ये नहीं हुआ था क्योंकि आपने ही कहा है कि 60-70% फिक्शनल है देखिए वो ह्यूमन स्टोरी जो है कीर्ति की जो है वो फिक्शनल है लेकिन जो इवेंट्स हुए हैं उस दौरान 1975 और 77 के बीच में इमरजेंसी को लेकर आप विकिपीडिया में भी देखोगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं वो इंक्लूड की है तो वो हकीकत है वो आप डिनाई नहीं कर सकते क्या आप इमरजेंसी डिनाई कर सकते हो आप नहीं कर सकते ना जो आपातकाल हुआ था घटना हुई थी जून से लेकर 1975 से 77 तो हुई थी तो उसमें आप नकार नहीं सकते कि ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी वो तो हकीकत है वो तो दिखाया उसमें तो मुझे नहीं लगता अगर आई थिंक अनाउंस ऑल्सो ऑफिशियली अनाउंस एंड इट इज इन पेपर्स इट इज डॉक्यूमेंटेड शाह कमीशन है जैसे मैंने कहा कई ऐसी चीज़ें हैं दस्तावेज है जिसके अंदर वो उनका चीज़ों का दिखाया है कि क्या है बोल के वो अच्छा एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि सेंटर में इस वक्त राइट विंग की सरकार है और आप एक फिल्म बना रहे हैं जो कांग्रेस के ज़माने की है जो कांग्रेस जब रूल किया करती थी तो कहीं ना कहीं आपको ये आशंका नहीं है कि लोग ऐसा सोचेंगे कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कुछ पोर्ट्रे करना चाहते कुछ इंटेंशनल है तो उस तरह के जो रूमर्स या जो बातें आएंगी तो उससे कैसे टैकल करेंगे आप और मैं आपको उसका जवाब देता हूँ पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह से मुझे करना होता तो मैं 2019 से पहले दो महीने पहले रिलीज करता पिक्चर को इलेक्शन से पहले अगर इस तरह से मुझे लगता है या पांच स्टेट की जो इलेक्शन अभी हो गए उससे पहले वो लाता ना पिक्चर अभी तो मेरे ख्याल से कोई स्टेट में इलेक्शन भी नहीं है तो 28 जुलाई से पहले तो कोई इलेक्शन नहीं लगता मुझे कोई स्टेट में है तो जहाँ तक मुझे है कि ये बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कोई भी सरकार हो मैंने बोला किसी फिल्म मेरी कंटेम्प्रेरी की फिल्म ही हो कोई भी हो अगर इस तरह का बैन होता है या इस तरह से जैसे ब्लैक फ्राइडे हुआ था बैन तो मैंने मुझे अच्छा नहीं लगा था कि फिल्म मेकर का इंटरप्रिटेशन है या उड़ता पंजाब हाल ही में सिंस यू स्पोक अबाउट ब्लैक फ्राइडे आई वाज द सेंसर चीफ हु पास्ड इट विदाउट एनी कट्स बिकॉज़ अनुराग कश्यप हैड कम टू मी एंड आई सेड दिस फिल्म शुड बी पास्ड एंड दिस इज ऑफिशियली आई एम अनाउंसिंग इट आई वाज द वन पर्सनली हु सॉ द फिल्म एंड आई सेड अनुराग कश्यप यू कैन आस्क हिम दैट दिस इज द फिल्म should be passed without any cuts. Wow. So there are to correct and also I think people don't put money Bharat bhai ne bahut filmen banayi hain they don't look at it from a political point of view they go by the story and then authentically if it works I think in cinema hall if I may allow in cinema hall nobody goes as to watch a film as a left winger or a right winger
or this religion, that religion. They go to the audience, and if it emotionally connects with you, the film, then whatever it is, it works. It works. And if it does not work, then it does not work. Then you can attribute to various reasons. And also, freedom of expression, do na isko yaar. Koi bhi film banane ka. Bilkul, bilkul. Sir, my question is for all of you. How excited you are about India-Pakistan cricket final match on Sunday? Yay! And how do you plan to watch the match? I feel like answering this question by saying Bharat Mata Ki Jai. Yes! And what about you, ma'am? I am not really into cricket. The only time I watch a match, cricket match, is World Cup when it's India-Pakistan. But honestly, right now I'm more in tune with Indu Sarkar than what's happening in the cricket. So, इनका तो ये हाल है कि अगर एक भूखे से पूछो दो और दो कितने वो कहता है चार रोटियां तो right now next question Madhur sir what about you how do you plan to watch the match and how excited you are He only plans to watch the film, nothing else, for the next one month. अरे अभी इसको कहीं और बन ले जाओ यार. इंदु सरकार बड़ी मेहनत करके बनाई है इन्होंने. हाँ यार मतलब क्रिकेट के लिए आपने इतने कितना अच्छा काम किया आपने. And like to say thanks to Anu Malik sir, जितने इतना कमाल का म्यूजिक दिया है नितिन चंद्रकांत देसाई जी. And these are the heroes really. These are the heroes and मेरे ख्याल से नितिन देसाई के जो सेट हम लोगों जो आपने क्रिएट करके दिया जो दिल्ली है. Thank you so much. And Anu Malik sir. जितने इतना कमाल का म्यूजिक दिया थैंक यू सो मच फॉर द रेट्रो एंड भरत भाई शाह जिनके वजह से ये पिक्चर यहाँ पे थैंक यू भरत भाई थैंक यू